देखिए, विजयदशमी के दिन ना सिंदूर खेला का जो उत्सव होता है उसमें हमारी अभिनेत्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, फिर चाहे वो छोटे पर्दे की अभिनेत्रियां हों या फिर बड़े पर्दे की। तो चलिए आपको लिए चलते हैं दुर्गा पूजा के उस पंडाल में, जहां रूपाली गांगुली ने खूब जमकर सिंदूर खेला किया रानी मुखर्जी के साथ। नवरात्रि के 9 दिन हर भक्त माँ दुर्गा की आराधना में लीन रहता है, उनकी पूजा अर्चना में कोई कमी नहीं रहने देता, ताकि माता रानी अपने भक्त से प्रसन्न रहें। लेकिन वो लम्हा बहुत इमोशनल वाला होता है जब माँ दुर्गा की विदाई होती है। ऐसे में देखिए अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली पहुंची मुखर्जी फैमिली के दुर्गा पंडाल में, क्योंकि आज की जो बेला है वो माँ को विदा करने वाली है, इसलिए तो सभी भक्तों पर माँ दुर्गा का रंग नजर आ रहा है। अनुपमा ने सबसे पहले मुलाकात की रानी मुखर्जी से, जहां दोनों ने सिंदूर खेला की रस्म अदा की, एक दूसरे के चेहरे पर गुलाल लगाया और फिर भक्ति में मग्न होकर दोनों ने डांस भी किया। माँ दुर्गा के विसर्जन के दिन सिंदूर खेला की एक रस्म होती है, जहां सबसे पहले माँ दुर्गा को सिंदूर अर्पित किया जाता है। उसके बाद पंडाल में मौजूद महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर शुभकामनाएं देती हैं, जो ये रस्म अनुपमा ने बखूबी निभाया। अनुपमा के अलावा यहां और भी टीवी कलाकार पहुंचे, जिसमें शामिल थी अनुपमा की बहू किंजल यानी कि निधि शाह। सास बहू के रिश्ते की ये दोनों ऑन स्क्रीन पर एक मिसाल है। वैसे यहाँ इशिता दत्ता भी अपने हस्बैंड वत्सल के साथ नजर आईं। तो भला सुमोना चक्रवर्ती कैसे पीछे रहती, और इनके साथ साथ मुनमुन दत्ता को भी देखा जा सकता है। माता रानी 9 दिन के बाद भले ही भक्तों से विदा हो जाएं, लेकिन वो हमेशा अपने भक्तों के दिलों में रहती हैं और अपनी कृपा सभी भक्तों पर बनाए रखती हैं। मुंबई से रवि जैन के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।